और चलिए राजधानी देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नामी स्कूल में बने मजार पर अब बवाल शुरू हो चुका है। स्कूल में बने मजार पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। पुलिस ने जांच के बाद ढांचे को ध्वस्त भी कर दिया है। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद ढांचे को गिराया गया है। स्कूल में अवैध तरीके से किसी ने मजार बना दिया था। डीएम ने जांच के बाद ध्वस्तीकरण के आदेश दिए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिली। तो उत्तराखंड में भूमि जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार लगातार अभियान चला रही है और इसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। देहरादून के एक मशहूर स्कूल परिसर में भी कुछ लोगों ने मजार का निर्माण कर लिया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामला बढ़ने से पहले ढांचे को गिरा दिया। राजधानी देहरादून के स्कूल के प्रांगण में अप्रत्याशित रूप से मजार बनाने से कई लोग हैरान हैं। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में मजार बनाने के पीछे की मंशा भी फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाई है। तो ये सूचना मिलने पर डीएम सविन बंसल ने तुरंत जांच के बाद मजार को ध्वस्त करा दिया। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स इस मामले में कहते हुए नजर आए कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, क्या सही और क्या गलत है ये जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। स्कूल में बवाल, मजार पर सवाल, कौन बना रहा था स्कूल में मजार? हिंदू संगठन के लोगों ने किया हंगामा, प्रशासन ने ध्वस्त कराया विवादित ढांचा। स्कूल परिसर में मजार देखकर आपको जरूर हैरानी हो रही होगी। सबसे पहले तो यह बता दें आपको कि यह देहरादून के एक नामी स्कूल का परिसर है, जहां सुरक्षा की बहुत ही कड़ी व्यवस्था रहती है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि इसके अंदर किसी ने एक मजार का निर्माण करा दिया। स्कूल परिसर के अंदर मजार देखकर हिंदू संगठनों के लोग भड़क गए और मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा किया। जिला प्रशासन को इसकी जैसी ही सूचना मिली तो उसने ढांचे को ध्वस्त करा। तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि कैसे प्रशासन के लोग ढांचे को ध्वस्त कराने में जुटे हैं। उत्तराखंड में लैंड जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार लगातार एक्टिव है। इसके बावजूद स्कूल परिसर के अंदर मजार के निर्माण ने कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स खुलकर कुछ भी बोलने से बचते नहीं। मीडिया के माध्यम से और वहां के मुतवल्ली के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया, इसका परीक्षण करा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, जांच के बाद बताएंगे कि क्या है। फिलहाल सीएम सविन बंसल ने जांच के बाद तुरंत एक्शन लिया और विवाद बढ़ने से पहले ही ढांचे को ध्वस्त करा दिया। लेकिन एक नामी स्कूल के प्रांगण में अप्रत्याशित रूप से मजार बनाने से लोग हैरान। अब सवाल है कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान में मजार बनाने के पीछे किसी की क्या मंशा हो सकती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लैंड जिहाद और लव जिहाद और थूक जिहाद, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार सख्त नजर आते हैं, क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बल्डोजर है वो कहीं ना कहीं लैंड जिहाद पर चलता हुआ नजर आया था और कई मजारे ऐसी हैं कि जिनको तोड़ा गया था। लेकिन राजधानी देहरादून के अंदर इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी एक ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है कि एक स्कूल के अंदर मजार बनाई जा रही थी जिस पर हिंदू संगठनों ने कहीं ना कहीं विरोध जताया और के बाद जिलाधिकारी के आदेश पर उस मजार को भी तोड़ दिया गया। हालांकि चर्चा ये भी है कि जो हिंदू संगठन के लोग थे उन्होंने दीवार तोड़कर कहीं ना कहीं उस स्कूल में घुसे और वहां पर वो मजार तोड़ दी गई। लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार सख्त नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसकी पूरी जाँच की जाए, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स उन्होंने भी कहा है कि इस तरह की मजार यदि अवैध तरीके से बनाई जा रही थी तो इस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है कि जो लोग इस तरह के मजार बना रहे थे उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहीं ना कहीं लैंड जिहाद को लेकर पहले भी कह चुके हैं कि यदि कोई इस तरह का लैंड जिहाद करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। न्यूज स्टेट धनराजगढ़।